दोस्तों, अभी हम प्रूव करने के लिए जा रहे हैं ए माइनस बी का होल क्यू इज इक्वल टू ए क्यू माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस बी क्यू, ये सही है या नहीं हम अभी प्रूव करके देखेंगे। तो अभी देखिए दोस्तों, पहले क्या करते हैं, ए माइनस बी का होल क्यू का मतलब है ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम इस दोनों का काम करेंगे जी, उनका आंसर जो आया इसके साथ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी इन दोनों का काम मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, जितना आएगा इसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आंसर आएगा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए इसको बगल में लिख लेते हैं। फिर इसके बाद ए इंटू ए प्लस ए इंटू माइनस बी, ए इंटू ए इंटू माइनस बी, इसको मल्टीप्लाई किया माइनस बी इंटू ए, माइनस बी के साथ ए को मल्टीप्लाई किया माइनस बी इंटू बी। अभी हमारा इतना तक आ गया, फिर इसको हम बगल में लिख लेते हैं ए माइनस बी। फिर देखिए दोस्तों, ए के साथ ए मल्टीप्लाई करने से आ जाता है हमारा ए स्क्वायर, ए प्लस ए माइनस बी माइनस ए बी, फिर माइनस बी ए प्लस ए तो हो जाएगा माइनस बी ए, माइनस बी प्लस बी माइनस प्लस माइनस, बी इंटू बी हो जाएगा बी स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमारा आ गया है, सॉरी माइनस बी इंटू माइनस बी, यहाँ पे माइनस बी है ना, माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। एक भी अगर साइन गलत हो गया, माइनस के साथ अगर जगह अगर प्लस हो गया तो पूरा मैथ गलत हो जाएगा दोस्तों, इसीलिए हम लोगों को ध्यान से करना है। फिर ए माइनस बी को हम बगल में लिख लेंगे, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी, सजा देंगे दोस्तों, ए बी जितना है बी ए उतना ही है, प्लस बी स्क्वायर, फिर ए माइनस बी। फिर देखिए दोस्तों, ए स्क्वायर ए बी दो बार है माइनस टू ए बी हो जाएगा, दो बार है इसीलिए टू ए बी हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। इसके साथ दोस्तों ए माइनस बी हम बगल में जो लिखे हैं अभी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए माइनस बी, फिर माइनस टू ए बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर के साथ ए माइनस बी, फिर माइनस टू ए बी के साथ ए माइनस बी, फिर प्लस बी स्क्वायर के साथ भी ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा दोस्तों, ए स्क्वायर इंटू ए प्लस ए स्क्वायर इंटू माइनस बी, दो साइन एक जगह नहीं रह सकता इसलिए मैं इसको ब्रैकेट दे दिया, फिर माइनस टू ए बी इंटू ए माइनस टू ए बी माइनस टू ए बी इंटू ए, ये वाला माइनस टू ए बी इंटू माइनस बी प्लस, यहाँ पे जगह नहीं है इसीलिए नीचे लिख रहा हूँ बी स्क्वायर, ये जो है बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी स्क्वायर इंटू माइनस पी। तो देखिए दोस्तों, अभी क्या होता है, अभी होगा दोस्तों ए स्क्वायर इंटू ए हो गया आपका ए क्यू प्लस ए स्क्वायर प्लस इंटू माइनस हो जाएगा आपका माइनस, माइनस ए स्क्वायर बी माइनस प्लस माइनस इंटू प्लस हो जाएगा अपना माइनस, माइनस टू ए स्क्वायर डी माइनस इंटू माइनस हो जाएगा आपका प्लस टू ए बी स्क्वायर, टू ए हो गया बी इंटू बी हो जाएगा बी स्क्वायर, तो उसके बाद प्लस ये जो प्लस है यहाँ पे दिया बी स्क्वायर इंटू ए बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर इंटू माइनस बी, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा आपका माइनस, बी स्क्वायर इंटू बी हो जाएगा आपका बी क्यू। अभी हम इसको अगर लिखेंगे ए क्यू
माइनस 2a² b और ये एक a स्क्वायर b हो गया आपका, तीन ठो हो गया 3a² b प्लस 2ab² और यहाँ पे है ab² तो हो जाएगा आपका 3ab² यहाँ पे देखिए 2ab² ab² हो जाएगा 3ab² माइनस bq। तो देखिए दोस्तों ये हमारा जो फॉर्मूला है वो प्रूव हो चुका है। इसी तरह आप भी प्रूव कर सकते हैं दोस्तों। अगर यहाँ पे देखिए दोस्तों aq माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस bq, यहाँ पे देखिए दोस्तों मेरा आ चुका है aq माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस bq। अगर आपको दोस्तों और इजी तरीक़े से चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसको और भी इजी करने के लिए कोशिश करूँगा दोस्तों। अगर इस वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।